यस हाय यस हेलो मैम, आवाज आ रही है? एक्चुअली करोड़ मैं अभी हमारे कंटक से लौट के आई हूँ। बाय द डिवाइन टाइमिंग में, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अटेंड कर पाऊंगी सेशन, लेकिन बाय द डिवाइन प्लान अटेंड हो गया क्लास। तो एक्चुअली पहले तो ये, मतलब आपके हर सेशन जो होते हैं एक अलग ही लेवल पर लेके जाते हैं। मतलब जो लेयर हटा जो लेयर होती है ना, वो लेयर हटती है तो हमें अपने ही अलग ऊपर वाले वर्जन से मिलते हैं। जैसे कि पिछले बार आपने इनर चाइल्ड हीलिंग कराई थी, तो मैं तो उस जर्नी में भी थी आपके साथ, तो इस बार भी मैंने उस चीजों को और ज्यादा रिलीज किया है, और ज्यादा। तो अब मैं चूंकि क्योंकि अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड रहती हूँ, तो अब मैंने एक चीज नोटिस की है कि मेरा ना लोगों को जज करना बंद कर दिया है। ये चीज हाँ बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि मैंने समझ नहीं, जैसे कि पहले मैं अपने पेरेंट्स को भी जज करती थी कि ये ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, फिर मैं समझती थी अरे यार उनका इनर चाइल्ड है यार, ये उनको उस वो बेचारा वुंडेड है, तो मैं उनको ना पहले गुस्सा आता था उस चीज पे, और अब गुस्सा नहीं आता, अब उस चीज पे प्यार आता है, या फिर उस चीज को अपन, मतलब पहले कोई भी बड़ी चीज पे डांट दिया फिर तो वो गुस्सा हो जाते थे अपन, लेकिन अब उसको मजाक में हल्के में टाल देते हैं कि अरे यार उनका उनका इनर चाइल्ड है वो। और मतलब कि अब मतलब ये चीज है, दूसरों को जज करना बंद कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसके लिए मैं, मतलब लोगों को माफ तो कर दिया था, लेकिन जैसा आप बोलते थे कि तुम लोगों को ब्लेस करो, वो नहीं हो पाता था मेरे से। मैंने कहती थी माफ कर दिया, इतना बहुत है, मैं ब्लेस नहीं करूंगी। वो लोग माफी के लायक भी नहीं थे, फिर मैंने माफ किया। लेकिन आपने ही सिखाया मेरे को कि नहीं, उनको ब्लेस करो, तो ये चीज मैंने की। मतलब फिर भी, मतलब पहले तो मैंने बहुत हीलिंग की, बहुत हीलिंग करके मेरी बहुत सारी नेगेटिव रिलीज हुई। मतलब जो चीजें मैं पिछले 20-25 साल से लेके आई थी, वो चीजें नेगेटिविटी रिलीज हुई, और वो नेगेटिविटी रिलीज हुई उसके बाद पे ऐसा चेंजेस आए मेरी लाइफ में कि मैं लोगों को ब्लेस करने लगी। मतलब जो लोगों ने मुझे हर्ट किया था, मैं उनको ब्लेस करने लगी। तो वो मैंने आपसे ही सीखा है कि जिन्होंने आपको हर्ट किया उनको ब्लेस करो, तो वो चीज, और वो चीजें करने के साथ ही साथ ना अलग ही चीजें, मतलब बहुत ही एक रिलैक्सेशन है लाइफ में। क्योंकि अपन क्या होता था, अपन को जब भी उस व्यक्ति की याद आती थी, अपन उसको ब्लेस तो कर ब्लेस नहीं करते थे, हम बस ये बोलते थे कि हमने माफ कर दिया इतना बहुत है। लेकिन जब अपन ने ब्लेस कर दिया तो ऐसा लगता है हमने उसको नहीं ब्लेस किया, हमने अपने आप को ही ब्लेस किया है, क्योंकि हमने अपने अंदर की जो नेगेटिविटी थी ना उसको खत्म किया है और उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो अपने आप से अंदर से वो ऐसा लगता है कि इस पे की खुशी महसूस होती है कि उसको नहीं ब्लेस कर रहे, अपन अपने आप को ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है उस व्यक्ति के प्रति और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिजल्ट बाहर से आ रहे हैं अब। और जैसे कि अब मैं अपने पेरेंट्स को भी जज नहीं करती, किसी को भी जज नहीं करती, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ उन सबका इनर चाइल्ड जो है वुंडेड है। और अब मैं ना, जैसे कि आज मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके ट्रिप पे गई थी, अमरकंटक गए थे हम लोग, तो अब मैं ये सोचती हूँ कि यार उन लोगों का इनर चाइल्ड वुंडेड है, उन लोगों को वो चीज नहीं मिली इनकी लाइफ में जो मिलनी चाहिए थी, तो एटलीस्ट मैं उनकी हेल्प कर सकूँ ताकि उनका इनर चाइल्ड हैप्पी फील करे। क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वो बच्चा हर किसी के अंदर होता है, चाहे वो 80 साल का हो जाए, चाहे 60 साल का हो जाए, चाहे 50 साल का हो जाए, और वो उस बच्चे को खुश करना, क्योंकि हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड रहते हैं, तो हमको लगता है कि यार वो भी अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड हो पाए, जो चीज उनकी सब जिंदगी में वो पूरे नहीं कर पाए, हम उनकी हेल्प कर पाए कि अब आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड हो, जो आप अब नहीं कर पाए, अब आप वो सारे काम करो जो हम लोग करते हैं, मौज मस्ती वाले, उधम मचाने वाले बच्चे जो करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत आए हैं मेरे, बहुत सारे, जो मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि वो, पहली चीज तो जो आपने, जो मतलब जिस तरीके से आपने कराया है ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस तरीके से भी हो सकता है। मतलब आपने जो आपने बताया है कि आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उसको आप पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डांसिंग, ये जो चीजें हैं, बाय बॉडी को मूवमेंट करा के, ये मतलब ये जो बताया आपने, और मतलब इससे ये जो चीज थी, मतलब बहुत अलग थी, नई थी कर देखने के लिए, लेकिन इससे बहुत नेगेटिविटी रिलीज होती थी, क्योंकि माई बॉडी में ही तो इमोशंस स्टक रहते हैं। और जो आपने वो जो जो भी कराई थी, इस टेक्निक्स करवाई थी, उससे भी बहुत बहुत फायदा मिला था उन सबको रिलीज करने में। और फिर मेरे को पता चला कि जो मैं नेगेटिविटी लेके आई थी उसको मैंने रिलीज किया, और अब सब बहुत बढ़िया है। और जो क्या था, मतलब कि अभी जैसे कि मैंने अभी फ्री जो भी क्लासेस स्टार्ट की थी, मैं क्या कर रही थी, मैं अपने आप को जज करने लगी थी, मैं अपने आप को जज करने लगी थी। इस कारण से मतलब कहीं कहीं मेरे अंदर कुछ ना कुछ सेल्फ लव की कमी थी, इसलिए मैं अपने आप को जज कर रही थी, लेकिन अब वो चीज दूर हो गई है।
क्योंकि अब मैं सेल्फ लव से, क्योंकि वो होता है लाइफ में, कभी कभी अपन ऐसे हो जाता है लाइफ में, अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो हम अपने आप को जज करने लगते हैं. तो वो चीज़ अब हील हो गई और मेरी बहुत सारी नेगेटिव रिलीज हुई हैं, और अब मैं एक अलग ही, अब मतलब बहुत हाई लेवल की, अब क्या बोल दूँ, अपडेटेड वर्जन से मैं अपने आप को मिल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अब वाह, लोगों को जज करना बंद कर दिया है और लोगों को ब्लेस करना स्टार्ट कर दिया है, जो मेरे लिए नामुमकिन था. कि बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है मेरे लिए. और जो आपने बताया था ये कि अपनी मिस्टेक्स को स्वीकार करो, अपनी फेलियर्स को स्वीकार करो, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था. मैं अपनी मिस्टेक्स से नफरत करती थी, अपनी फेलियर से नफरत करती थी. कभी याद रहा है तो मैं नफरत अपने आप से लड़ने लगती थी कि तुमने उस वो गलती की थी. लेकिन आपने ही सिखाया कि नहीं, अपनी गलतियों से भी प्यार करो, अपनी फेलियर से प्यार करो, क्योंकि उन्होंने ही हमको अपडेट किया है और आज हम इस लेवल पर हैं. मतलब इतनी इतनी बारीकी से कोई नहीं बताता मैम कि अपने नेगेटिव वर्जन से भी प्यार करो, क्योंकि उसने हेल्प किया है हमको. उस अगर वो नहीं होता तो आज हम इस हीलिंग जर्नी में नहीं आते, और आज हम इतने इस लेवल पे नहीं होते कि हम अपनी हेल्प कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली की हेल्प कर पा रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं. तो वो जो बुरा, मतलब फेलियर जो आए, मिस्टेक्स आए, वो भी एक तरह से उन्होंने ही हमको बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी इस अपलिफ्टमेंट में. तो ये जो चीज थी ना, बहुत बड़ा मतलब लेसन रही है मेरे लिए. और अब मेरे को किसी भी मिस्टेक से, किसी फेलियर से डर नहीं लगता. मैं जैसा आपने सिखाया ना कि अपने आप को अलाउ करो, अगर मैं सक्सेस के लिए तैयार हूँ तो फेलियर के लिए भी तैयार हूँ, मिस्टेक्स के लिए भी तैयार हूँ. क्योंकि अगर आएंगे तो वो मेरे को कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, क्योंकि यानी कि एक तरह से यही हो गया कि कुछ फेलियर होता नहीं है, क्योंकि फेलियर भी एक तरह से हमको कुछ ना कुछ सिखा रहा है. मिस्टेक्स कुछ होती नहीं है, वो कुछ ना कुछ हमको सिखा रही है. तो ये जो चीज थी ना, मतलब आपके सेशंस हमेशा बहुत अच्छे होते हैं और हम अपने ही एक हायर लेवल से मिलते हैं. तो थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर एफर्ट, फॉर ऑल योर सेशंस. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक एक्चुअली. एंड यस, आई ऑलरेडी शेयर्ड अबाउट दिस कि जस्ट लव योर फेलियर्स एंड ऑल. बिकॉज ऑफ ऑल माई फेलियर्स आई एम हेयर टूडे. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फेलियर्स. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ डाउट, सेल्फ हेट्रेड, वट एवर आई डिड विद माई सेल्फ when I was young and when I was growing, and because of them I am here and I'm grateful for that. So this is the power of failures. वो failures failures नहीं होते, वो lessons होते हैं. जब हम उसको सीख लेते हैं तो हम अपनी life में आगे बढ़ जाते हैं. So thank you so much, thank you, and I'm so grateful. Can't wait to see your success, see you growing as the best healer. Thank you.